निष्प्रवाणिश्च निष्प्रवाणिश्च निष्प्रवाणी प्रथमैक वचनांत च वे दो पद है। कप अभाव अत्र निपात्यते, कप का भाव या निपातन से किया जाता है। प्रपूर्वाद वयतेर ल्युट, प्रोपसर पूरक वय धातु वी तंतुसंथानी धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ। तो प्रवाणी तंतु वाय शलाका, तो प्रवाणी ल्युट हुआ। टित्वात् गीप स्त्रीलिंग में प्रवाणी, अर्थ क्या उसका? तंतुवाय की शलाका, जुलाह की जो शलाका होती लकड़ी। निर्गता प्रवाणी अस्य इति निष्प्रवाणी ही पटा, मैंने वो दौड़ना बंद हो गया, निकाल दिया गया, मैंने कपड़ा बन गया, तैयार हो गया। समाप्त वान वैसे आतान वितान करना समाप्त हो गया, अर्थात नव पठ इत्यर्थ, नया कपड़ा है, ये अर्थ हो जाता है। इस अर्थ में प्राप्त का प्रत्यय नहीं किया गया। तो गीप हुआ है, इकारांत है, इकारांत होने से प्राप्त हुआ था। किस उससे प्राप्त है? शेषाधिभाषा से लेनी पड़ेगी, वैकल्पिक प्राप्ति थी उसको निषेध कर दिया, और कोई अलग नहीं है। इना स्त्रियांत इन्नंत से करता है ना, ये इन्नंत है नहीं, ये इन्नंत नहीं है ना, ये प्रत्यांत इन्नंत नहीं, स्त्रीलिंग वाला है केवल। तो शेषाधिभाषा से प्राप्त को इसे निषेध कर दिया। शेष के अंतर्गत आ रहा है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह, सप्तमी विशेषण है प्रथमा का द्विवचन, बहुव्रीह सप्तमी का एक वचन। सप्तम्यंतम विशेषण च बहुव्रीह पूर्वम प्रयोज्यम स्यात्। सप्तम्यंत जो बहुव्रीह समास में अवय हो, ये विशेषण वाचक जो बहुव्रीह समास में अवय है उसका पूर्व प्रयोग करना चाहिए। कंठे काल यदि कंठे काल, कंठे तिष्ठति यदि कंठेस्थ बनेगा, कंठ में जो रहता है, कंठेस्थ कालो यस यदि कंठे काल ये बनेगा वहाँ पर। सुपीत योग विभाग से का प्रतिभा था कंठेस्था बना, सप्तमान पूर्व पदस्य इसे बहुव्रीह समास हुआ और स्त शब्द का लोप हो जाता है, लोप एक कंठे बच गया वहाँ पर। और समास होने बहुव्रीह समास होने के बाद में प्रथमांत ही का ये होता है, वेदिकरण बहुव्रीह समास बोले आपने कर दिया तो ये प्रथमांत का उपसर्ग संज्ञा हो जाएगा ना, सप्तम्यंत प्रथमांत में से प्रथमांत का होगा, अनेकमन्य बदावते भले वेदिकरण होने से सप्तम्यंत भी है किंतु उस प्रथमांत का प्रथमांत का प्राग पूर्व होना चाहिए काला का, उसको इसने निषेध किया नहीं सप्तम्यंत का ही प्राग पूर्व होगा। अच्छा प्रथमांत पर मेरा हो गया कंटे काला रूप बना। अतएव चापकात वेदिकरण पदो बहुव्रीहि, इस उससे सप्तमी का प्राग प्रयोग करने का विधि से ज्ञापन होता है, वेदिकरण पद बहुव्रीह समास भी होते हैं। चित्रगोह विशेषणवाचक का, चित्रा गावो यस्य, चित्रा गावो यस्य विग्रह वाक्य कर दिया। यहाँ दोनों के दोनों प्रथमान दृष्टित्व है ना, विग्रह में नियत विभक्ति का अन्यतर किसका पूर्वपात हो यह निर्णय नहीं हो सकता, तब उत्तर पद का विशेषण से पूर्वपातार्थम, तब कहेंगे जो भी उत्तर पद का विशेषण होगा उसका ही प्राग प्रयोग होना चाहिए, इन्हीं पातन करने के लिए ही ये सूत्र में कहा गया विशेषण है। अतः गो शब्द क्या है? विशेषवाचक है ना, और चित्रा उसका विशेषणवाचक है, अतः विशेषणवाचक का ही प्राग प्रयोग होगा, नहीं तो दोनों हो सकता था, गोचित्रा चित्रगुहु दोनों बन जाता, और ना बने एक ही रूप बन जाए इसे विशेषणवाचक है प्राग प्रयोग नियमन कर दिया, निपातन से नियमित किया जा रहा है, पूर्णिपात करने के लिए विशेषण ग्रहण किया गया। इतना ही नहीं और भी कईयों का निपात करेंगे, देखिए पूर्णिपात ही करना है। सर्वनाम संख्योरुपसंख्यानम, सर्वनाम संख्योरुपसंख्यानम, सर्वनामवाचक शब्द और संख्यावाचक शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिए, उन्हें यहाँ पर साथ में सप्तमी विशेषण जो का उसको सप्ति विशेषण सर्वनाम संख्याया संख्या बहुवचन ऐसे सबको ले, इनका भी साथ में कहो। सर्वश्वेत, यहाँ देखो सर्वश्वेत में श्वेत शब्द वास्तव में क्या था? विशेषणवाचक, सफेद रंग, सभी सफेद रंग के हैं,
यह सफेद रंग विशेषण वाचक था, प्रापुर होना चाहिए था पूर्व कथन शब्द विशेषण के अनुसार। नहीं, सर्वनामवाचक का विशेषण ही होगा तो परम ही हो जाएगा, सर्वनामवाचक का ही प्राक प्रयोग हो जाएगा। सर्वश्वेत त्रिशुक संख्यावाचक में दृष्टान दिया त्रिशुक्ला, हाँ बालमृग अनुसार त्रिशुक्ला है और ये त्रिशुका करके पाठ भेद है। बहुत्र मूले द्विशुक्ल पाठ तत्वोधन कारण भी द्विशुक्ल ही दिखाया है और बालमृग में त्रिशुक्ला लिया और मूल में त्रिशुका दे दिया। उस पर एक नंबर टिप्पणी पे नीचे दिया बहुत्र मूले द्विशुक्ला इत्योपाठ और यहाँ बालमर्मा में त्रिशुक्ल इति त्रया शुक्ला यस्य ऐसे लिया है। त्रय शुक्ला पटाह यस्य इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं, तीन सफ़ेद रंग की कोई वस्तु जिसका है पक्षी, पक्षी त्रय शुकः यस्य क्यों नहीं हो सकता है, दोनों प्रथमांत है। त्रय शुकः प्रथमांत में कोई भी प्राग प्रयोग हो सकता था तब उन्हें विशेषण का ही प्राग प्रयोग होगा। ये शुकालेंगे त्रि प्राग प्रयोग त्रि संख्या विशेषणवाचक बनेगा, उससे ग्रह तो ग्रहण हो जाता। इसे दोनों गुणवाचक ले लो, इसे शुक्ल लिया उन्होंने वो ज्यादा ठीक है, शुक्ल के अपेक्षा शुक्ल लेना ठीक है कि दोनों गुणवाचक हो दोनों विशेषणवाचक हो गया। तब दो गुण विशेषणवाचकों में कौन सा विशेषणवाचक प्राग प्रयोग होगा, संख्या हो तो वही प्राग प्रयोग हो जाएगा। इसलिए त्रिशुक्ल होना द्विशुक्ल होना ही ठीक है, लेकिन त्रिशुका में क्या है विशेषणत्व त्रि का प्राग प्रयोग हो जाएगा, वो संख्या के दृष्टांत बनाना उचित नहीं बनेगा। शुक द्रव्य है और त्रि संख्या है, गुणवाचक हो जाएगा विशेषणवाचक होकर के, विशेषण शब्द है ना सप्त विशेषण से ही प्राग प्रयोग हो जाएगा, फिर वार्तिक दृष्टांत नहीं बन पाएगा त्रिशुका। त्रिशुक्ल हो तो ठीक रहेगा, क्या द्विशुक्ल होनी चाहिए पाठभेद भले ही हो। मिथो अनयो समासे संख्या पूर्वम शब्द पर्व प्रतिषेधात्, मिथो अनयो समासे संख्या पूर्वम शब्द पर्व प्रतिषेधात्, मिथो मने सर्वनाम और संख्या इन दोनों का, इन दोनों जैसे द्विशब्द सर्वनाम संज्ञा है अन्य शब्द भी सर्वनाम संज्ञा का है, अन्य अन्य तरह इतर तत्व ने मन में सब है ना, अन्य भी है दोनों है, मैंने एक सर्वनाम हो गया एक संख्या वाचक, ये दोनों ही सर्वनाम संज्ञा भी है। ऐसे स्थिति में मिथो अनयो समासे संख्या एवं पूर्वम स्यात्, संख्या वाचक का ही पूर्व प्रयोग होना चाहिए शब्द पर प्रषेधात्। क्यों, शब्द पर वार्तिक में क्या है पहले सर्वनाम फिर संख्या, कौन सा शब्द पर में आया संख्या हो गया, दोनों में झगड़ा होगा ये प्रषेध है परम कार्य, या सूत्रों में नहीं वार्तिकस्थ शब्दों में सर्वनाम और संख्या, सर्वनाम संख्योर उप संज्ञानम में सर्वनाम और संख्या, या यदि भी प्रषेध हो जाए किसका मैं प्राग प्रयोग करूँ, दोनों यदि आ गया समास में सर्वनाम भी आ गया संख्या भी आ गया तब पर भी प्रषेध कर दो, पर कौन है संख्या, उसे शब्द के प्रत्यय प्रषेध करता हुआ हम संख्या को ही प्राग प्रयोग कर देंगे से द्वन्या द्वन्य इत्यादि बनेगा, पर शब्द हो गया द्वि इसलिए द्वन्य, और दो संख्या वालों को हो जाए समास तब क्या होगा, तो संख्या या अल्पीयस्याः, संख्या या अल्पीयस्याः, संख्या या अल्पीयस्य संख्या एव पूर्वम, संख्या दो संख्या वाचकों के समास होता है जो अल्प संख्या है न्यून संख्या वाला है उनका प्राग प्रयोग होगा, कि हमेशा न्यून संख्या के बाद में ही अधिक संख्या का पाठ होगा, अल्पीय संख्या को ही प्राग प्रयोग करना है। जैसे द्वित्राः दृष्टांत दिया, द्वित्राः दोवा त्रयोवा विक्रवाक्य में पहले आपने किया ना संख्या संख्या या अव्यय संख्या आसन नित्य सूत्र के द्वारा बहुवचन समास हुआ था, इसलिए इस वार्तिक के द्वारा अल्प संख्या कौन हो गया द्वि, उसका प्राग प्रयोग हो जाएगा त्रि की अपेक्षा से। लेकिन वार्तिककार कहते हैं नहीं और भी जोड़ो द्वंद्वे अपी, द्वंद्व में भी ऐसे ही होगा अल्प संख्या वाला प्राग प्रयोग हो जाएगा, जैसे द्वादश द्वादश द्वंद्व समास हुआ है यहाँ पर भी अल्प संख्या वाला का प्राग प्रयोग हो गया, कि द्वंद्वे की इसी से द्वंद्वे तनुवृत्त हो अल्पास्त्रम इस सूत्र भाष्य से वार्तिक से पाठात
ಬೌರ್ಯೋಗತಮಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಥ ದ್ವಂದ್ವೇ ಅಪೀತಿ. ವಾಸ್ತವೇ ದ್ವಂದ್ವೇಗಿ ಯಾವೇಗೋ ಆ ದೇಖೆಂಗೆ ದ್ವಾದಶ ಮೇ ದ್ವಿಶಬ್ದ ಕಾ ಹಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಹೇ ದಶಂತೋ ನೀ ಹೇ ದ್ವಂದ್ವೇಗಿ ಸೆ ಔರ್ ದೂಸರ ಅಲ್ಪಾಸ್ತರಂ ಭೀ ಹೇ ದ್ವಿಶಬ್ದ ಏಕಾಚ್ ದಶನ್ ದ್ವಚ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ದ್ವಿಶಬ್ದ ಪ್ರಾಕ್ಪ್ರಯೋಗ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಯದ್ಯಪಿ ವಹಾಂ ಕಾ ಥಾ ಫಿರ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ನೇ ವಹಾಂ ಪರ್ ಬತಾಯಾ ಭೀ ಹೇ ಯೇ ತೋ ವಹಾಂ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಥಾ ಈ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಮೇ ಅಸ್ಯ ವಾರ್ತಿಕ ಸೆ ಪಾಠ ಆತೇ ಇದೆ ಅಲ್ಪಾಸ್ತರಂ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಈ ವಾರ್ತಿಕ ಥಾ ದ್ವಂದ್ವೇಪಿ ಅಲ್ಪಾಸ್ತರಂ ಸೂತ್ರ ಆಯ್ಗಾ ನಾ ದ್ವಂದ್ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ ಮೇ ಉಸ್ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ನೇ ಇಸ್ ವಾರ್ತಿ ಕೋ ದಿಖಾಯಾ ಔರ್ ಆಪ್ನೆ ಸಬ್ ಬಹುವ್ರೀ ಸಮಾಸ ಮೇ ಕ್ಯೂ ಲಾ ರಹೇ ಹೋ ಅಭಿ ಬಹುವ್ರೀ ಸಮಾಸ ಕಾ ಪ್ರಕರಣ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ನಾ ಯಾ ಕ್ಯೂ ಆಪ್ನೆ ಜೋಡಾ ದ್ವಂದ್ವೇಪಿ ಯೇ ಭೀ ವಾರ್ತಿಕ ಹೈ ದ್ವಂದ್ವೇಪಿ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಉಠಾ ಯೇ ವಾರ್ತಿಕ ದ್ವಂದ್ವೇ ಅದ್ವಂದ್ವೇಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ कहने का अभिप्राय उनका यह था. अपि कह दिया ना मैंने द्वंद्व में और अद्वंद में दोनों में ये वार्तिक चलेगा. कौन सा वार्तिक? संख्या है अल्पियस्या. ये जो वार्तिक है द्वंद्व में भी लागू होगा अद्वंद्व में भी लागू होगा. अद्वंद कौन हो गया? बहुरी. इसे यहाँ भी लागू होगा. इसे द्वादश बनाने वक्त आविगर वाक्य क्या करेंगे? द्वच दशच बोलोगे या द्वेदिका दश बोलोगे? द्वेदिका शब्द बोलोगे अधिक शब्द युक्त होकर समास बहुरी समास हो जाएगा. दो चतुर्थ द्वंद समास होगा. चाहे द्वंद करो चाहे बहुरी करो तो भी अल्पसंख्या वाला प्राग प्रयोगी होगा. इस तरह से भाष्यकार ने वह समझाया है. वा प्रियस्य वा प्रियस्य प्रिय शब्द उत्तर पद में हो तो वहां विकल्प से ही प्राग प्रयोग होगा. गुणप्रिय प्रिय गुण दोनों होगा. गुण है प्रिय जिसका वह गुण प्रिय बन गया और विकल्प से होने से प्रिय गुण भी बन गया. गड्वादे परासप्तमी गड्वादे परासप्तमी कहते देखो गड्वादी के साथ जब समास हुआ हो सप्तम्यंत का सूत्र अनुसार प्राग प्रयोग होना चाहिए था. कहते परा पर प्रयोग हो जाए. गडु कंठ कंठे गडु यस्य कंठ में गडु है जिसका उसके गडु कंठ हो जाए. कंठे सप्तमी का प्राय उत्तर प्रयोग हो गया और सप्तमी लुक हो जाएगा इसीलिए गडु कंठ बन गया. गडु मने मांस विशेष कंठ में निकल जाता है ना मांस हो जाता है. यहाँ आ गया कहीं भी हो जाता है पीछे हो जाता है उसको गडु कहते हैं संस्कृत. कुबड़ापन पीठ में होगा तो कुबड़ापन कहते हैं. ऐसे तो कुबड़ा तो पूरा टेढ़ापन के लिए भी कह देते हैं. कुब जाती है ना वो गड़ुकंठ क्वचिन्ना और कहीं के भी पराग प्रयोगी हो जाएगा. देखो वहे गड़ु हो वहे गड़ु यसी थी वहे गड़ु हूँ बन गया. वहा मने भुजा भुजा में जो है मांसपिंड बन गया है वहे गड़ु. यहाँ सब पर होना चाहिए गढ़वादी के अंतर्गत है ना. ये गड़ु है खुद गड़ु है यहाँ पर फिर भी नहीं हुआ. इसे को चिन्ह गडुर नाम ग्रीवादि गतो दुर्मांस गोला ये अर्थ किए. ग्रीवादि में होने जो दुर्मांस का गोला निष्ठा निष्ठा प्रथम एक वचनांत निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात् निष्ठा प्रत्यांच प्रातिपदिक है उसका बहुरी समास में प्राग प्रयोग होगा. कृतकृत्य कृत्यम कृतो येना कृत्य जितना भी है वह कर लिया गया है जिसके द्वारा. कृत्यम कृतो येना लेकिन कृत परमे था उसका प्राग प्रयोग हो जाए कृतकृत्य बन गया. जाति काल सुखादिप्य परानिष्ठा वाच्या जाति काल सुखादिभ्य परानिष्ठा वाच्य. जाति वाचक शब्द से कालवाचक शब्द से और सुखादि शब्द से परमे यदि निष्ठावाचक शब्द का प्रयोग हो रहा हो समास किया गया हो वह निष्ठावाचक का प्राग प्रयोग नहीं होना चाहिए. वो परमे प्रयोग हो जाएगा वार्तिक से. सारंग जगधी ये दृष्टांत दिया. सारंग जगधी सारंग पक्षी विशेष का नाम है इसलिए जातिवाचक हो गया. सारंगो जगदो भक्षितो यया सा सारंग जगदी स्त्रीलिंग में प्रयोग करें.
सारंग नामक पक्षी को खा लिया गया है, जिसके द्वारा ऐसे जो दूसरा कोई जीव स्त्रीलिंग वाला कोई सिंहिनी हो सकता है, कोई भी बड़ा पशु, तो सारंग पक्षी बहुत बड़ा पक्षी, उसको कौन खा सकता है आसानी से। जो भी होगा कोई स्त्रीलिंग वाला अन्य शेरणी वगैरह ले सकते हैं जो खा जाता है। मांस जाता, मासो जातो यस्या, एक महीना बीत गया है पैदा हो करके, बछड़ी भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है, आदमी का भी बच्ची हो, कोई भी स्त्रीलिंग वाला। मांस जाता, या जात शब्द क्या है, निष्ठांत है। जगद शब्द क्या था, वह अधो जगदीर लिप्ति किति, अध धातु को जगद आदेश होता है, लिप और तादिकित अनेकता प्रत्यय प्रत्यय हो गया, जगद बना था स्त्रीलिंग में जगदी। मांस जाता जात शब्द निष्ठांत है। सुख जाता, सुखम जातम यस्या, सुख उत्पन्न हो गया है जिसके अंदर, ऐसी जो स्त्री है सुख जाता, यहाँ भी निष्ठा प्रत्यंत का पर प्रयोग हो गया। जब आर्तिक भी गए, ये भी प्राय की है, प्रायकम च इदम कृत कट, कृत कटो ये न, कृत कटो ये न, कृत का प्राग प्रयोग हो गया। ये जो कट क्या है, जातिवाचक है, कट क्या है, चटाई द्रव्य है ना, जातिवाचक शब्द हो गया। और उसको उसके साथ कृत निष्ठांत है, आपके अनुसार वार्ता अनुसार पर प्रयोग होना चाहिए, कृत का कटकृत बनना चाहिए, लेकिन कुछ न, इसलिए जो है कृत कटा बन गया। एवं पीतोदक, पीतम उदगम एना, उदक पद का पर प्रयोग होना चाहिए, उदक के साथ जो आपका पीत शब्द निष्ठांत प्रयोग हुआ है, और ये भी क्या है, उदक जातिवाचक है, अतएव आपका पीत शब्द पर प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन प्राय को नहीं हुआ, पीतोदक बन गया। वाहिताग्न्यादिशो, वाहिताग्न्यादिशो, आहिताग्न्यादिशो सप्तमी का बहुवचन, आहिताग्नि में भी आहित क्या है, क्ता प्रत्यांत है, आहित क्ता प्रत्यांत है। अब अग्नि आदि द्रव्यवाचक शब्द है, यहाँ पर इस गण में जातिवाचक है, हमेशा परप्रयोगी होना चाहिए था, है ना, अब यहाँ इसने विकल्प कर दिया, निजी विकल्प से हो जाएगा, इसे आहिताग्नि अग्नि आहित आकृति गण, आकृति गण है ये, इस प्रकार जितने भी शब्द होंगे उस गण में लेकर के प्रयोग कर लेंगे। प्रहरणार्थेभ्य परे निष्ठा सप्तम्यो, प्रहरणार्थेभ्य परे निष्ठा सप्तम्यो, प्रहरणार्थक वाचक शब्दों के साथ समास हुआ निष्ठा का या सप्तमी का, तब निष्ठांत और सप्तम्यंतों को पर में ही प्रयोग करना चाहिए। अशुद्यत असी उद्यतो एन, असी ही उद्यतो एन, निष्ठांत उद्यत सूत्र के अनुसार प्राग प्रयोग प्राप्त था, और उसको पर प्रयोग करने के लिए वार्तिक कह दिया, क्योंकि प्रण वाचक शब्द है ना, असी क्या है, मार काट करने के साधन है, शस्त्र अस्त्र है, शस्त्र हो तो प्रणार्थेभ्य कह दिया है, प्रारण है प्रयोजन जिसका, ऐसे जो वाचक शब्द अस्त्र शस्त्र वाचक शब्दों के साथ में यदि निष्ठा प्रयोग हो, निष्ठा पर में ही हो जाएगा। अशुद्यतो दंड पाणी, दंड पाणौ यस्य, दंड पाणौ यस्य, पाणी शब्द का सप्तमी है ना, पाणौ शब्द का दृष्टान्त है, या पाणी जो सप्तम्यंत है उसका प्राग प्रयोग होना चाहिए था, सप्त विशेषण है भौर्य सूत्र से, उसका बाद कर इसने पर प्रयोग कर दिया, दंड पाणी ही। इन क्वचित न, कहीं कहीं पर नहीं भी होता, विव्रतासी ही, अस्त्र शस्त्र वाचकता है, प्रणार्थक है, लेकिन यह नहीं हुआ, विव्रत शब्द कृतांत है, निष्ठांत है, उसका सूत्र अनुसार है ना प्राग प्रयोगी हो गया उसका, विव्रता आसी ही प्रयोग बना, विव्रत मैने कोशात निष्कासित, म्यान से निकाल दिया गया, बाहर नंगा कर दिया गया, तलवार निकाल दी, म्यान बोलते हैं उसका, म्यान जिसके अंदर रहता है उसे निकाल दिया, उसको विव्रत कहते हैं, कोश संस्कृत में कोश, हिंदी में म्यान बोलते हैं, उसे निकाला हुआ जो असी माने जो तलवार, उसका विव्रत असी, असी शब्द प्रणार्थक होते हुए भी यहाँ विव्रत का प्राग प्रयोगी हो गया। इस प्रकार से बहुरी समास प्रकरण समाप्त हो जाता है। यहाँ तक की टीका देखिए, निष्प्रवाणिश्च, बारह में देखना क्योंकि इस पर जो है तत्व बोधन में नहीं है। प्रपूर्वादि वे तंतु संताने इतस्मात् प्रपूर्वाद करणाधिकरण इत्यधिकरण लुट
அதுக்கு அர்த்தம்ட்டு பிரத்யுவா. புரோயத்தி அஸ்யாமிதி பிரவாணி, ஜஸ்வோ தப்ரோத் கியா ஜாத்தா ஹை உஸ்கா நாம் பிரவாணி. பூர்வதாச பூர்வபதாசங்கே மகசனத்துவா சப்தம் சமாப்தவான இது சமாப்தம் வானம் மனே வானக்ரியா எஸ் இவகிற வாக்கியம். அத்த சைஷிக்கோ கப் அபாவோ நிபாத்தியத்தை. நிஷ்பிரவாணி சப்தமே சைஷிக் மனே சேஷாதி பாஷா சுசப்பிராப்த கப் கா பாவ் நிபாத்தன் சே கர் தியா கயா. சத் விசேஷணே இஸ்கா நிச்சே ஹே தேக்கியே. யதா கண்டே கிஞ்சித் அஸ்தி இது ஜாயதே தஸ்ய விசேஷணம் கால இது. ஜப் கண்ட மே குச்ச ஹே மனே கண்டே ஸ்தித இஸ்லே பனானா படா. கண்டே திஷ்டதி இதி கண்டே ஸ்த இஸ்லே பனாயா கயா. தப் ஜாகர விசேஷணம் கால தஸ்ய விசேஷணம் கால இது தத இதம் சப்தமி கிரணம். தப் கால விசேஷணம் ஜாத்தா பிராக் பிரகோனே லக்தா அது சூத்திர சப்தமி பி கே தியா நேத்தி விசேஷணம் பௌவ்ரியோ சூத்திர பனா சக்தே தே தத இதம் சப்தமி கிரணம் அனுஜாத்து தேன வின்னாபி விசேஷணத்வா தேவ சித்தம். நேத்தோ வா விசேஷன் வாச்சக் ஹோனே சே அப்னே ஆப்மே பிராக் பிரயோக ஹோய் ஜாத்தா. சித்திரகுரிதி நச்ச உபசரன் பூர்வமித்யவ இதம் சித்தியதி இதர வாச்சம் பௌரியோ சப்தமி இத்யுக்தே தக்கர கௌண்டினி நியாயேன உபசர்ஜன பூர்வத்வஸ்ய பாதா ஆபத்தே அத விசேஷண கிரணம் கிருதாம். இசூத்திரமே பௌரி சப்தமி சப்தமி பௌரியோ கதேனே சே ஜோ ஹே தக்கர கௌண்டினி நியாய சே உபசரன் பூர்வத்வ காபி பாத ஹோ ஜாயேகா. ஜோ உபசர்ஜன் கோ லேக்கர் கே பூர்வ மே பிரயோக ஹோனா சாஹியே உஸ்கா பி பாத ஹோ ஜாதா. அத இஸ்லே அலக் சே கஹன கர்ன படே விசேஷண கரக்கோ. விசேஷண கா ஹி பிராக் பிரயோக ஹோவே விசேஷிக பிராக் பிரயோக ந ஹோவே. சரணாமேதி பால் மனோரமா உபசர்ஜனம் பூர்வமேதி த பூர்வமேதி வர்ததே பிரதிகரணி பரிபாஷையா சப்தமேதி ததந்த கிரணம் ததா சப்தமேதி தே கண்டே கால இது கண்டே திஷ்டி கண்டே ஸ்தா ச காலோ இஸ் திவிகர சுபீதி யோக பாகாத் க பிரத்யே சப்தமி உபமான பூர்வபதசி இது பௌரி சமாச ஸ்த சப்த லோபஸ்ச இது அநேக நிர்பதார்த்தி சூத்திர பாஷ்யே ஸ்பஷ்டம். அமூர்த மஸ்தகாத் அமூர்த மஸ்தகாத் இது சப்தமிய அலுக்குவா. அதையவ இது யதபி கண்டேஸ்த சப்த பிரதமாந்தேவ தர் பௌரியோ பூர்வபதம் பிரதமாந்தி வாஸ்து பௌரி பத்மதா தச காலசப்தேன சாமனாதிகரண்ய மஸ்தேவ ஒரு காலசப்த சாமனாதிகரணத்து தாய் கதம் சப்தமி கிரணம் விதிகரண பத் பௌரி ஜாபகம். ஒரு தூசரி பாத் கிஞ்ச விசேஷணத்வாதேவ சித்தே கிம் வா சப்தி கிரணேன அது தப்பி விசேஷண வா சகோனிக்கு நாத்தே சப்தமி கிரண கரே கே ஜருத்தே. ஆச யதபி கோய் கா சக்தா ஹே ததாபி யதா ஸ்த பதம் அநாதிருத்திய கண்டித்ய சதிகரணத்துவம் ஸ்த பதக்கோ அநாதிருத் கர்த்தியுவே கண்டே மெய் கண்ட ரூபி அதிகரணமே ஐசலேலோ ஸ்தகனிக்கு ஜருத்தனி படிக்க தப் ஆதாரித்த பதான கண்டுக்கோ காலாதிகா தசச்ச காலரூபே உத்தர பதார்த்தே உபசங்கிரம தப் உஸ்கா காலரூபி உத்தர பதார்த்தமே அர்த்தோபசங்கிரம் ஹோ ஜாயேகா. ததா கண்டே இத்தியஸ்ய அப்ரதமாந்தத்வாத் பௌரியர் அப்ரசக்தே பௌரி சமஸ் பிராப்தி நியோகா அநேகமனே பதார்த்தே சே தது சப்தமந்தஸ்ய பூர்ணிபாத் விதிர் அபித்தி சித்ராயித சாத். பூர்ணிபாத் தோடா கர்பி கடபடுத்தினா பூர்வ வாக்கு பரே ஃபோனா செய்யே பூர்வ வாக்கு பரே ஃபோனியே பௌரி அப்ரசக்தே ஜப் அநேகமனே தர் பருவ கே பிரசக்தி நீயே பிற சப்தமி கா பிராக் பிரகர விதி கியா ஹோகா பூர்ணிபாத் க விதி பினா ஆதார சித்திர சமான் பேக்காரோங்க வர்த்த ஃபால்த்து வினா பித்திக்கா அபித்தி சித்தாயுதம் வினா பித்திக்கா ஹி சித்திர பனானேக்கா ஜெய்சே கானி ஆப்கி பன் கி ஜப் சப்தமந்த் கே சாத் பௌரி சமாஸ் ஹோனா ஹி நீயே ஓ சப்தமி கா பௌரி சமய பிராக் பிரயோக் கானா வர்த்த ஹோகே நா நிரர்த்தக் ஹோகே வோ தத்ச சத்வி கிரணாத் அப்ரதமாந்தோ பி பௌரி க்வசித் அஸ்தி இதி விஜ்ஞாயஜ்யம் இதி யோஜ்யம் இஸ்ஸே ஜாபன் ஹோகே சத்வி கிரண கர்னே சே அப்ரதமாந்தோங்க சாத் மே பௌரி சமாஸ் கை கை ஹோதா ஹே ஏ சம்பந்த ஜோட் லெனா சாஹியே தேன சச்சாஸ்திர ஜன்மா ஹி விவேக லாபஹ இத்யாதி சித்தாம் இத்யாதி சே இத்யாதி ரூபி சித்த ஹோ ஜாயே சச்சாஸ்திரே ஜன்ம யஸ்ய சச்சாஸ்திர மே ஹி ஜன்ம ஹுவா ஹே ஜிஸ்கா யா சப்தமேந்த சச்சாஸ்திரே சத் சாஸ்திரம் கோய் பட கரகே ஜிஸ்கா அந்தர் வித்யா கா ஜன்ம ஹுயி ஹே உசி மே விவேக கா லாப் ஹோ சக்தா ஹே அசத் சாஸ்திரம் கோ படத்தே ரஹோ ஜித்னா பி விவேக லாப் தோடி ஹோகா ஔர் உல்டா உல்ஜன் மே ஃபஸ்தே ஜாயேகா.
इसे सच्चास्त्र जन्मा ही विवेक लाभ इत्यादि रूप भी सिद्ध हो जाते हैं। चित्रगुरी उभर भी प्रतिमा निष्ठत्व विग्रह नियत विभक्तिगत अन्य दृश्य पूर्णिपात प्राप्त उत्तरपद विशेषण से पूर्णिपातार्थम विशेषण करण मिति भाव। दोनों ही प्रतिमा निर्दिष्ट है तो नियत विभक्तिगत्व होने के कारण से किसको हम पूर्णिपात करें, किसी को भी कर सकते हैं मर्जी से, फिर तो यादृच्छिक को करके एक तरह से विकल्पी हो जाएगा। अतः उत्तर पद में की अपेक्षा से जो भी विशेषण बन जाएगा उसी को पूर्णिपात करना चाहिए, ये विशेषण ग्रहण करने का लाभ है। स्वर्णाम संख्योरी थी लौटो नीचे स्वर्णामे थी कथम तर्री तह परो यस्मात् स तत्पर इति कथम तपरा बनाया आपने, तह परो यस्मात् स तपर कैसे बना दिया कि पर शब्द भी क्या है स्वर्णाम है, पूर्व परा और दक्षिण है ना वह पर शब्द है। यहाँ पर इति कथम च जस्वार्ता वृत्ति ही या जस्वार्ता वृत्ति भी कैसे बन जाएगा, यही जत स्वम पदम यम स जस्व इति कथम तो ये हो गया, रे भी रूप कैसे बना जस्वार्था वृत्ति ये कैसे बनेगा, जत स्वार्था ये शब्द कैसे बन गया ये प्रश्न है। कथंच जत स्वार्था वृत्ति यही जत स्वम पदम यम स जस्व स्वर्थो यस्याम इति बहुवरी गर्भ बहुवरी बहुवरी गर्भ बहुवरी समास हुआ है, तथा च स्वपर शब्दयोः स्वर्णामत्वात् पूर्णिपातेन भाव्यम। तब क्या होता स्व और आपका पर ये दोनों शब्द कैसे हैं स्वर्णाम संज्ञक है, इनका प्रापर होना चाहिए ने तपर नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए परतत् पर तत् ये बनना चाहिए। अथवा यहाँ पर क्या है इसी प्रकार ज स्व नहीं स्वजत बनना चाहिए कि स्व क्या है स्वनाम संज्ञक है स्वजत तह तकार तह मने तकार परो यस्मात तपर बनता है वह पर शब्द स्वनाम संज्ञक है और त केवल वर्णवाचक है स्वनाम है नहीं भाई पूर्व होना चाहिए तह परो यस्मात केवल तकार मात्र तो आपत्ति आएगी। स्वर तो ऐसे मिट्टी तथा च स्व और पर शब्द यो स्वर्णामत्वात् पूर्णिपातन भाव्य चेद अत्र हो सूत्र भाष्य प्रयोगात् स्व पर शब्द और न पूर्णिपात राजदंतादित्वाद्वा सिद्धम। सूत्र और भाष्यकार का प्रयुक्त को देखते हुए इन शब्दों को पूर्णिपात नहीं किया जाएगा इन स्वर्णामों को, अथवा राजदंतादेश परम सूत्र है उस गण में ले लो, गण में लेकर उनको सिद्ध कर लेना। द्विशुक्लः यद्यपि स्वर्णामत्व द्विशब्द से पूर्णिपातत्व सिद्ध्यति यद्यपि स्वर्णाम होने के नाते द्विशब्द से पूर्णिपात हो ही रहा था तथापि त्रिशुक्ल इत्यादि सिद्धये वार्तिक संज्ञा ग्रहण करता त्रिशुक्ल इत्यादि सिद्धि के लिए वार्तिक में जो है संज्ञा ग्रहण किया गया है, त्री का स्वर्णाम संज्ञा नहीं होगा, द्वि का स्वर्णाम संज्ञा है इंद्री का नहीं है, इसे त्रिशुक्ल करके जो दृष्टांत है ना वो उचित ज्यादा है। ननु संख्या या अल्पास्तरत्व संख्या स्वर्णाम इति वाच्ये विपरीतोच्चारण अयुक्तम यदि कहे संख्या आया अल्पाशतर होने की बात से ही प्राप्रयोग हो ही जाता है, अतः संख्या स्वर्णाम ने योग कहना चाहिए था वार्तिककार को, स्वर्णाम संख्या क्यों कह दिया उसका लाभ है द्वन्य द्वन्या में द्वन्य द्वन्या में लाभ हो जाएगा। इति वाच्य विपरीतोच्चारण अयुक्तम इत्याशंख्या मिथो अनियोरिति विपरीतोच्चारण में अत्र लिंगम इति भाव विपरीतोच्चारण यहाँ पर लिंग अल्पस्य इति अल्पार्थ वाचिकाया संख्याया प्राक प्रयोग यह अर्थ होंगे। इससे पहले थोड़ा उनको देख लो बाल रोल में सर्वाश्वेतो यस इति विग्रह उभयोरपि गुणवचनत्वेन विशेषण विशेष भावे कामचारात् अन्यतरस्य पूर्णिपात प्राप्ते स्वर्णामत्व सर्वशब्द शिव पूर्णिपात दोनों विशेषण वाचक है अथवे जनों में किसी का भी प्रयोग कर सकते थे तो स्वर्णाम के प्राप्त करने के विधान किया। उपसर्जनत्वे भी भूतपूर्व गत्या स्वर्णामत्तम तब भी कहोगे अरे वो समास हो तो उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा, उपसर्जन हो जाएगा गौण हो जाएगा वो संज्ञा नहीं तो उपसर्जन करते गौण क्या है वो स्वर्णनाम संज्ञा नहीं रहेगा उनका संज्ञा उपसर्जन भूतास्त्र सर्वाद ये वार्तिक संज्ञा हो जाए
तब उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं रहेगा, और जब गौण हो जाए वहां भी सर्वनाम संज्ञा खत्म। जैसे किसी नाम सर्व रख दिया, सर्वानंद, हमारा सर्व शब्द का कोई सर्वनाम संज्ञा होगा क्या? प्रयोग नहीं होगा। जैसे सर्वायते ही होगा, सर्वस्मयते ही नहीं होगा, प्रयोग दिया था ना सर्वाय, सर्वनाम है ना, सर्व के लिए दे दो, सर्व आदमी है, सर्वनाम का आदमी को दो, वह सर्वनाम संज्ञा नहीं है, से सर्वनाम स्मय नहीं लगेगा। प्रयोग आया था सर्वाय देही, संज्ञा हो जाए यह उपसर्जनीभूत, मैंने समा बहुरी समास में क्या हो जाता है, अवयव सब गौण हो जाता है, अन्य पदार्थ प्रदान हो जाता है, ये गौण हो गया उपसर्जन हो गया, सर्वनाम संज्ञा नहीं होना चाहिए। तब कहते नहीं, बात सही आपका वो तो, इन उपसर्जनत्व भी भूतपूर्व गति से उसे सर्वनामत्व मान करके प्राग प्रयोग किया जाएगा। पहले सर्वनाम संज्ञा थी ना, वो जब समास के अंदर आने के बाद वो सर्वनाम संज्ञा उसका गया गौण होने से, इन भूतपूर्व जो उसकी सर्वनाम संज्ञा थी उसके आधार पर हम यहाँ प्राग प्रयोग कर देंगे। त्रिशुक्ला त्रय शुक्ला ये वगैरह उभयोर भी कामचारण पूर्णिपात, यहाँ पर भी दोनों हैं गुणवाचक, संख्या भी और शुक्ल भी, संख्यात्वाद त्रिशब्द से पूर्णिपात द्विशुक्ल स्वर्णामत्वादेव सिद्ध, और द्विशुक्ल दृष्टान्त उचित नहीं है यहाँ, क्योंकि द्विशब्द तो स्वर्णाम संज्ञा वाला है, उतने मात्र से उसका प्राग प्रयोग सिद्ध हो ही जाएगा। ननो दौ अन्यौ यस्य द्वन्य इति बहुव्रीयौ सर्वनाम संख्या और अन्य तरस्य पाक्षिक पूर्णिपात, यह सर्वनाम भी है और संख्या भी है, और संख्या भी वो लिया जिसका सर्वनाम संज्ञा है द्वि, तब किसका प्राग प्रयोग होगा, अन्य तरह हो रहा था पाक्षिक, तो पूर्णिपात से मिथो अनियोरिति सर्वनाम संख्यो उन दोनों में से संख्या पूर्वमिति प्रयोज्य शेष, किस आधार पर, शब्द पर प्रषेदात, एक शून्य व सूत्र है सर्वनाम संख्या हो समासोपात्तत्व भी सर्वनाम संख्या शब्द हो, संख्या शब्द से पाठत परत्व है ना, पाठत परत्व आदाय विप्रतिषेध सूत्र प्रवृत्तिरित्यर्थ, संख्याल्पस्य इति न्यूनाधिक संख्या वाचक शब्दानां समासे न्यून संख्याया पूर्वं प्रयोग इति वक्तव्यमित्यर्थः। द्वित्रः द्वौ वा त्रयो वा इति विग्रहे संख्याया अभ्य संख्यासन्न इत्येष सूत्र बहुव्री समास नन द्वन्द्वैः इत्यतो द्वन्द्वैः इत्यनुवृत्तो अल्पाचुरि सूत्रभाषे अस्य अर्थ पाठ बहुव्रीयौ कथमस्य प्रवृत्तिर् इत्यतः द्वन्द्वेऽपि इति इदञ्च वार्तकं द्वन्द्वे अद्वन्द्वेऽपि प्रवर्तते इत्यर्थः, अपि किं महिमासे द्वादशेति द्वौ च दशचेति बिन्दु द्वन्द्व तत्पुरुषे तु शतानां विंशतिः इति विंशति शतम् इत्युदाहर्यं तदस्मिन् अधिकम् इति दशान्ताड्डा इति सूत्रभाषे सहस्राणां शतम् इत्यर्थे शतसहस्रम् इति भाष्यकयोटि प्रयोगो अत्र मानमिति शब्देन शेखरे स्थितान्। सहस्रशतम् कैसे प्रयोग है, शतसहस्रम् उसके लिए एक लाख के लिए। वाप्यस्यति बहुव्रीयौ पूर्वं प्रयोगो वक्तव्यत्यर्थः, गढ़वादेः आदिशब्द प्रकारवाची तेन पद्मम नाभौ यसीति पद्मनाभ बन गया, नाभ नाभौ सप्तमी है ना, पर प्रयोग हो गया। ऊर्ण नाभौ यसीति ऊर्ण नाभि ज्ञापो इति रस्व ऊर्ण नाभ इति सिद्धति, ये भी सिद्ध हो जाता है। जाति काले इति एतच्च जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छाद इत्यनेन ज्ञापितम् सारंग जगधि सारंगो जगदो यया सा अश्वांग पुरुपदाद्वा इति गीपुवा कथम तरी चारुस्मितश्चारो हसितः इत्यादि अत्राहो नपुंसके भाव्यक्त तस्य न पूर्णिपात, ऐसे तक पूर्णिपात नहीं होगा। निष्ठा शब्द है ना विहित ग्रहणम, कि निष्ठा शब्द के द्वारा विद्योक्ता कतवत उसी को लेना, उसे भिन्न सूत्रों से विहितकता को कतवत को नहीं लिया जाएगा। क्वचिन्ने आहिताग्नियादित्व कल्पनाद अनविधानाद्वा इति भाव, आदिशु करके बोल दिया ना, इसीलिए गण मान करके कह दिया गया।